हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी के संपर्क में, तो इन्वेस्टर के विषय में फुल डिटेल्स में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड डेली अपडेट आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, वासुंधरा ग्रुप मैनेजमेंट के साथ जैसा ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट का बातचीत चल रहा था और अंत तक जैसा बातचीत गया, वैसा सभी ने ये सोच लिया था कि इन्वेस्टर जो वासुंधरा ग्रुप ही होने वाला है ईस्ट बंगाल एफसी का। लेकिन दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी बांग्लादेश गवर्नमेंट, जैसे कि वासुंधरा ग्रुप बांग्लादेश से आती है तो इसीलिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने वासुंधरा ग्रुप मैनेजमेंट को इजाजत ही नहीं दिया कि आप किसी अदर कंट्री में किसी क्लब को इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि वासुंधरा ग्रुप अब बहुत ज़्यादा चांस है कि इन्वेस्टर नहीं बनेगी ईस्ट बंगाल एफसी का, क्योंकि वासुंधरा ग्रुप बांग्लादेश से आती है। तो ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट को तो इन्वेस्टर कहीं से भी चाहिए था, तो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम सामने आ रहा था। लेकिन दोस्तों, अभी जो सबसे बड़ा ब्रेकिंग अपडेट आ रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो प्रीमियर लीग की वन ऑफ द बेस्ट टीम है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टीम है, तो वही मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है इन्वेस्ट करने वाली है ईस्ट बंगाल एफसी में। तो गाइस, ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने बातचीत किया था इन्वेस्टर के विषय में बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली के साथ। तो सौरभ गांगुली ने सजेस्ट किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम, जैसे कि अभी का अपडेट आ रहा है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड से कहा है सौरभ गांगुली ने कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो ईस्ट बंगाल एफसी के क्लब में। तो ऐसा सुना जा रहा है कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट और मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजमेंट के साथ बातचीत हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में जा रहा है ये बातचीत। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ही इन्वेस्टर बन जाए ईस्ट बंगाल एफसी के लिए आने वाले सीजन में, क्योंकि दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड सालों से इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। और मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप सभी को पता नहीं है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कोशिश किया था आईपीएल में भी एक टीम खरीदने का। तो लखनऊ सुपर जाइंस, अभी संजीव गोयनका का टीम खेल रही है, तो 7,000 करोड़ का बिड देकर संजीव गोयनका ने वो बिड को जीत लिया था और लखनऊ से एक फ्रेंचाइज आया लखनऊ सुपर जाइंस। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी 5,000 करोड़ का बिड दिया था, तो पहले से ही इन्वेस्ट करने की कोशिश मैनचेस्टर यूनाइटेड कर रही है, चाहे वो आईपीएल में हो चाहे वो इंडियन फुटबॉल में हो। कुल मिला के बात यह है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइज, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड टाई अप करे ईस्ट बंगाल एफसी के साथ और ये डील पूरा कंफर्म हो जाए, क्योंकि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है इन्वेस्टर को लेकर, और उससे भी ज़्यादा टेंशन ईस्ट बंगाल एफसी के समर्थकों को है। तो गाइज, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है जल्द से जल्द अपना जो डील है कन्फर्म कर ले, टाई अप फॉर्म हो जाए, मैं यही चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन फुटबॉल के लिए यह बहुत ही बड़ा बात होगा। तो आपको क्या लगता है इसके विषय में, आप जरूर अपना राय कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।